आदर्श विद्या मंदिर बालिका माध्यमिक सांचूर, आचार्य फुलवंती शर्मा, कक्षा पंचमी, विषय हिंदी रचना, अध्याय एक, भाषा और व्याकरण। बच्चों, आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है इत्यादि पशुओं की ये भाषा आवाज़ें भाषा नहीं है। यहाँ पर एक अध्यापिका है, वो बच्चों को मौखिक रूप से यानी बोलकर मुंह से कहकर कुछ समझा रही हैं। भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है, इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ पर एक अध्यापिका है, वो देखा जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड है जो शाम पट है वहाँ पर कुछ लिख रही हैं, लिखित रूप से बच्चों को पढ़ा रही है। भाषा का यह रूप है वो लिखित रूप कहलाता है, जिसे हम लिखित भाषा कहते हैं। हम इसे विस्तार से भाषा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप है जिसे बोलकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है तथा सुनकर समझा जाता है। अध्यापिका द्वारा निर्देश देना तथा छात्र द्वारा सुनकर समझना मौखिक रूप है। ठीक है, जैसे कोई अध्यापिका आपको क्लास में पढ़ा रही है तो वो हम लगभग मौखिक भाषा का इस्तेमाल करती हैं। लिखित भाषा के बारे में हम जानते हैं। यह भाषा का वह रूप है जिसमें लिखकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है। पिछले पृष्ठ के चित्र में अध्यापिका का ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को समझाना भाषा का लिखित रूप है। हम देखते हैं जैसे हम दूर दराज बैठे रिश्तेदारों को हम लिखित रूप से पत्र लिखते हैं, वो भाषा का क्या है? लिखित रूप है। कोई हमारे सामने बैठा है उसे हम अपने मन के भावों को बताते हैं तो वो मौखिक रूप है, वो मौखिक भाषा है। भाषाओं के प्रकार बताए गए हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि क्या है? देवनागरी है। और पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। और उर्दू की लिपि क्या है? फारसी है। लेकिन हम जानते हैं कि भारत एक क्या है? विशाल देश है। इसमें भिन्न भिन्न भागों में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर एक सारणी बताई गई है जिसमें कौन से राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी है वो हम जानते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में बोली जाती हैं। वहीं पंजाबी हैं तो वो पंजाब में बोली जाती हैं। बंगला हैं वो पश्चिम बंगाल में बोली जाती हैं। तेलुगु हैं वो आंध्र प्रदेश में बोली जाती हैं। गुजराती हैं वो गुजरात में बोली जाती हैं। तमिल हैं वो तमिलनाडु में बोली जाती हैं। मराठी है वो महाराष्ट्र में बोली जाती हैं। कन्नड़ है वो कर्नाटक में बोली जाती हैं। मलयालम है वो केरल में बोली जाती हैं। उड़िया है वो उड़ीसा में बोली जाती हैं। कोंकणी है वो गोवा में बोली जाती है। कश्मीरी है वो कश्मीर में बोली जाती है। पाठ में हमने क्या सीखा जानते हैं। चलो, मन के भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और ग्रहण करने का साधन क्या है? भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। किसी भाषा को लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हमने जाना देवनागरी है, गुरुमुखी है इत्यादि। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। अब मैं कुछ शब्द कह रही हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने और कंठस्थ करें। संकेतों, आवाजों के कुछ अर्थ। संकेतों और आवाजों के कुछ अर्थ समझ नहीं आते हैं, स्पष्ट करें। जो शब्दों के भाव हैं भाषा वही कहलाते हैं।